Hello friends, I welcome you all in one more knowledgeable interesting video. Today in this video we will going to talk about a very interesting topic of Income Tax Act. Yes, in this video we're going to talk about income tax rates. Yes, lot of people have curiosity to know a lot of things about this topic. That's why I decided to make one video on this topic of income tax rate. What we're going to cover in this video, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इनकम टैक्स रेड क्यों होती है, ब्लैक मनी क्या है, इनकम टैक्स रेड के दौरान आपके क्या राइट्स हैं, इनकम टैक्स रेड के दौरान जो टैक्स ऑफिसर्स आते हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कौन सी एसेट्स आपकी सीज हो सकती है, कौन सी एसेट्स आपकी सीज नहीं हो सकती है, एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में भी बात करेंगे जो सीधे इनकम टैक्स रेट से कनेक्शन रखते हैं. सो प्लीज़ स्टे विद अस फॉर द एंटायर वीडियो इफ़ यू वांट टू नो सम गुड एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स रेट्स. यस, एंड आल्सो वी गोइंग टू कवर अ लिटिल बिट ऑफ हाउ वन कैन अवॉइड इनकम टैक्स रेट, किस तरीके से इनकम टैक्स रेट जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं. यस, इट इज़ अवॉइडेबल, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अनअवॉइडेबल है. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं. एवरीथिंग दैट यू विश टू नो अबाउट इनकम टैक्स रेट्स. नाउ व्हाट इज इनकम टैक्स रेट? इनकम टैक्स रेट इज रेट, द रेट वर्ड इज नोवेयर यूज्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961. द वर्ड रेट इज अ वर्ड दैट वी यूज इन द कॉमन लैंग्वेज, बट वेन यू रेफर एक्ट, जब आप इनकम टैक्स एक्ट रेफर करेंगे तो आपको ये वाला वर्ड जो है वो कहीं भी नहीं मिलेगा. टेक्निकली इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट है उसको बोलते हैं सर्च सीजर या फिर सर्वे ऑपरेशंस. हाँ जी, सर्च सीजर या फिर सर्वे ऑपरेशंस. सर्च मतलब इनकम टैक्स टीम आपके यहाँ पे आई और वो सर्च करते हैं कि कुछ ब्लैक मनी मिल जाए, कुछ अनडिस्क्लोज एसेट्स मिल जाए, ताकि आपसे जो है वो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी प्रॉपरली वसूल की जाए. सीजर मतलब एसेट्स को सीज कर देना, जो अनडिस्क्लोज एसेट्स हैं, जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम से जो एसेट्स जनरेट हुई हैं उनको सीज कर देना. उसके बाद सर्वे ऑपरेशंस, सर्वे मतलब के ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन रोकने के लिए जो इनकम टैक्स है वो सर्वे कंडक्ट करता है टाइमली. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है आपके अगेंस्ट में जिससे ये उसको ऐसा लगता है कि अभी सर्वे करना कंपलसरी है तो सर्वे किया जाता है. तो इनकम टैक्स एक्ट में जो वर्ड रेड है इट इज़ नो वेयर यूज. टेक्निकली रेड इज व्हाट रेड इज सर्च सीजर एंड सर्वे ऑपरेशंस यूज टू बी कंडक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम. सर्च एंड सीजर इज कंडक्टेड एज पर सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. सर्च और सीजर ऑपरेशन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के एक सेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं. हाँ जी, एक्ट में एक डेडिकेटेड सेक्शन है ऑन दिस जिससे पावर मिलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड कंडक्ट करने की, और वो सेक्शन है सेक्शन 132. सर्वे ऑपरेशंस जो हैं सर्वे किए जाते हैं एज पर सेक्शन 133A एंड सेक्शन 133B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. हाँ जी, 133A और 133B ये दो ऐसे सेक्शंस हैं विच गिव पावर to the income tax department to conduct survey. Yes, so now we have concluded this, that the word raid is what it includes, your search operation, seizure and survey operations as conducted by income tax department time to time. Now why income tax raid? क्या ज़रूरत पड़ी हमें income tax raid को law में लाने की? क्यों department जो है income tax raid conduct करता है? इसका सबसे बड़ा कारण है to fight against corruption. हाँ जी, corruption को रोकने के लिए. लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं. करप्ट प्रैक्टिसेस में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? बिकॉज दे वांट टू मेक मनी एंड दे वांट टू होल्ड लॉट ऑफ मनी दैट इज़ अ ब्लैक मनी. उस चीज़ को रोकने के लिए, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, गलत प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो है वो इनकम टैक्स रेट्स की जाती है. आपने इनकम अर्न की, उस पर टैक्स प्रॉपर गवर्नमेंट को नहीं दिया, इट इज़ मोर और लेस अ पार्ट ऑफ करप्शन. डिस्करेज होल्डिंग ऑफ ब्लैक मनी. हाँ जी, ब्लैक मनी की होल्डिंग को डिस्करेज करने के लिए एट अ वेरी गुड लेवल इनकम टैक्स रेट कंडक्ट की जाती हैं, ताकि लोगों के अंदर डर रहे कि हमें ब्लैक मनी जो है वो एक्यूमुलेट नहीं करनी है. जो भी आपने इनकम अर्न की है प्रॉपरली,
जो भी आपने एसेट्स जनरेट की हैं इनकम अर्न करके, उन एसेट्स को प्रॉपरली डिस्क्लोज करें समय समय अनुसार। जो भी इनकम आपने अर्न की है, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, कोई अदर सोर्स की इनकम हो, उसको प्रॉपर्ली ईयर वाइज ईयर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो है प्रॉपरली डिस्क्लोज करते रहें। हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों इनकम टैक्स रेट की जाती है, ताकि ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को, ब्लैक मनी की जनरेशन को जो है वो एक बहुत अच्छे लेवल तक रोका जाए। कलेक्शन ऑफ फेयर टैक्सेस, हाँ जी, ये भी एक कारण है कि इनकम टैक्स रेट्स क्यों की जाती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है दी गई है कि आप टैक्सेस कलेक्ट करें। टैक्सेस क्यों कलेक्ट करें? ताकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि देश की इकोनॉमी जो है वो अच्छे से चलाई जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट को देश चलाना होता है, बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इन नीड ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी साहब वो मनी है जिसको आपने अर्न किया और उस पर प्रॉपर टैक्स जो है वो आपने नहीं चुकाया, उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर क्या ब्लैक मनी सिर्फ मनी के फॉर्म में हो सकती है? क्या वो नेसेसरली कैश के फॉर्म में ही हो सकती है? राइट, तो ब्लैक मनी जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो हो सकती है ज्वेलरी के फॉर्म में, वो हो सकती है कुछ प्रीशियस डायमंड के फॉर्म में, वो हो सकती है रियल एस्टेट के फॉर्म में, वो हो सकती है शेयर सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स के फॉर्म में, वो म्यूचुअल फंड्स के फॉर्म में भी हो सकती है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी जो है वो मनी मतलब के कैश या फिर बैंक बैलेंस के फॉर्म में ही जो वो है एक्यूमुलेट हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपने कोई अनडिस्क्लोज्ड मनी से, कोई अनडिस्क्लोज्ड कैश से आपने कोई रियल एस्टेट खरीदी, तो वो जो रियल एस्टेट है वो भी ब्लैक मनी की कैटेगरी में काउंट की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी जो है वो सिर्फ कैश या फिर बैंक बैलेंस के फॉर्म में ही आपके पास हो, वो किसी और फॉर्म में, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, कैश ट्रांजेक्शन हो गए, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हो गए, बॉन्ड्स के फॉर्म में भी आपके पास वो हो सकती है, ज्वेलरी के फॉर्म में हो सकती है, प्रीशियस डायमंड्स के फॉर्म में भी आपके पास ब्लैक मनी हो सकती है। ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी वो मनी है जिस पे आपने प्रॉपर फेयर टैक्सेस जो है वो नहीं चुकाए हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। व्हेन डज अ रेड हैपन? रेड कब होती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रेड करता है? सबसे पहला कारण जो इनकम टैक्स रेड का होता है, दैट इज़ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स इवेजन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक डिवीजन होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस विंग ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ जी, उस इंटेलिजेंस विंग का यही काम होता है कि वो इंटेलिजेंस विंग जो है वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके उस डेटा को एनालाइज करती है, उस डेटा को यूज़ करती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से पैन पे या फिर कौन से असेसी के पास, कौन से टैक्सपेयर के पास जो है वो ब्लैक मनी एक्यूमुलेट हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है जब भी आपके यहाँ पे रेड करने आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी आपके यहाँ सर्च सीजर या सर्वे ऑपरेशंस करने आएगा, तो वो प्रॉपर होमवर्क करके आएगा। ऐसा नहीं होता कि सैम्पलिंग कर लो साहब, 5 जने सैंपल में निकाल लिए और इनके यहाँ पे इनकम टैक्स रेड कंडक्ट हो गई। नो, उसके पीछे एक बहुत लेंदी होमवर्क जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्रेडिबल, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, इट हैज़ टू बी द क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। अगर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है तो रेड कंडक्ट की जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक विंग होती है, इंटेलिजेंस विंग, जो कंटिन्यूसली ये काम करती है डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने का कि कौन से टैक्सपेयर, कौन से एसएससी के पास जो है वो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है और कौन प्रॉपर फेयर टैक्सेस पे नहीं कर रहा है। इलीगल इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी प्रॉपरली ट्रैक जो है वो किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें ब्लैक मनी जो है वो तो इन्वेस्ट नहीं हो रही है। अगर कंटिन्यूसली रियल एस्टेट में कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके यहाँ पर रेड कंडक्ट की जा सकती है। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट और शेयर ट्रांजैक्शंस, आपने रिटर्न भरा, उसमें आपने कुछ शेयर ट्रांजैक्शंस की थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि पैन हर जगह अब लगता है, तो शेयर ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल थी उसकी, कैपिटल गेन की इनकम या फिर बिजनेस की इनकम, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, वो आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त डिस्क्लोज नहीं की, एंड द गेन वॉज ह्यूज, द गेन वॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट। तो ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में यूज़ करके जो है वो इनकम टैक्स रेट कंडक्ट कर सकता है। आपके पास कुछ कैश क्रेडिट्स हैं,
आपकी कैश की डीलिंग बहुत ज़्यादा है, आपके पास कैश होल्डेड बहुत ज़्यादा है और डिपार्टमेंट उसका एक्सप्लेनेशन आपसे मांगना चाहता है, तो भी आपके ऊपर इनकम टैक्स रेट जो है वो कंडक्ट की जा सकती है। मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स एंड इनवॉइसेस, अगर डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट करते हैं, ये डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? डिपार्टमेंट को पता चलेगा इनकम टैक्स रिटर्न से। हाँ जी, इनकम टैक्स रिटर्न के डेटा के अनुसार अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आप अपनी बुक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के साथ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, बैंक से जाती है, आपके डीमैट अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन जाती है, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाती है, आपके क्रेडिट कार्ड्स के ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाती है, आपके फॉरेन ट्रैवलिंग की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाती है। तो इसके अनुसार अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट वाउचर्स में मैनिपुलेशन किया है, तो भी आपके यहाँ पे इनकम टैक्स रेड होने की संभावनाएँ हैं। इन्फॉर्मेशन रिसीव विद रिगार्ड टू स्पेंडिंग बीन डिसप्रोपोर्शनेट टू इनकम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं, वो हाईली डिसप्रोपोर्शनेट है आपकी इनकम से। कैसे? मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं जो रिटर्न भरते हैं 4,99,000 रुपये की और इनकम टैक्स जो है वो चुकाते हैं नील। 4,99,000 रुपये पर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आती है ज़ीरो और साल में 4 बार जो है वो दुबई जाते हैं हॉलीडे पे। अभी दुबई 4 बार साल में हॉलीडे पे जाना और वो इंसान अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम डिस्क्लोज कर रहा है मात्र 4,99,900 रुपये की। हाँ जी, तो ये क्या है? ये क्लियर क्लियर केस है डिसप्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग्स। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये प्रूव होता है कि इस इंसान की कहीं ना कहीं और से इनकम भी आती है जो ये इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं, इट शोज़ दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिसप्रोपोर्शन, देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द इनकम रिपोर्टेड एंड द स्पेंडिंग्स बाय दैट पर्सन, तो भी उस इंसान के यहाँ पे इनकम टैक्स रेट जो है वो कंडक्ट की जाती है। इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इनकम टैक्स रेट कंडक्ट कर सकता है। जैसे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। जैसे कि आपका जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई ऑपरेशंस करे और उसको लगा कि साहब किसी एक पर्टिकुलर डीलर ने, किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने अपनी सेल जो है वो, उसकी सेल है 30 करोड़ रुपये, उसने मात्र 30 लाख रुपये की सेल दिखा रखी है, तो वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी शेयर करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जो है वहाँ पे सर्च और सीजर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन है सप्लाइड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट। तो दूसरे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जो मिली हुई जानकारी है, उनसे जो मिली हुई इन्फॉर्मेशन है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इन्फॉर्मेशन पे भी जो है वो काम करता है और रेट्स इसके अकॉर्डिंग भी कंडक्ट की जाती हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर्ड फ्रॉम असेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्स पेयर्स, हाँ जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए डिपार्टमेंट ने किसी एक असेसी का 148 किया या फिर 143(2) किया, दोनों में से कुछ भी किया और असेसमेंट में सरप्राइजिंगली डिपार्टमेंट को ह्यूज अनडिस्क्लोज एसेट्स, ह्यूज अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ इनकम जो है वो मिले ड्यूरिंग असेसमेंट, चाहे वो 148 हो चाहे वो 143(2) हो। रिटर्न भरेगा तो 143(2) होने की ज़्यादा संभावना है, रिटर्न नहीं भरेगा तो 148 होने की ज़्यादा संभावना है, पुराना केस है तो 148 होने की ज़्यादा संभावना है। एक बार 143(2) हो गया, उसके बाद वापस से रीअसेस करना है तो वहाँ पे 148 को यूज़ किया जाता है। तो असेसमेंट के दौरान डिपार्टमेंट को लगा कि इस इंसान की बहुत सारी अनडिस्क्लोज एसेट्स बाकी दूसरे सालों में भी हो सकती हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है इनकम टैक्स रेड का। हाँ जी, ये जो लिस्ट है ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है और कोई कारण भी इनकम टैक्स का रेड का हो सकता है। हु कैन कंडक्ट रेड, अभी रेड कौन कर सकता है, कौन से ऑफिसर के पास जो है वो पावर है रेड कंडक्ट करने की, या फिर जो ऑफिसर रेड कंडक्ट कर सकता है वो ऑथराइजेशन भी दे सकता है लोअर क्लास के ऑफिसर को कि मैं आपको ऑथराइज करता हूँ दैट यू कैन कंडक्ट रेड एट दिस पर्टिकुलर एसएससी। तो देखते हैं कौन कौन से वो ऑफिसर्स हैं जिनके पास पावर है इनकम टैक्स रेड कंडक्ट करने की। ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा ऑफिसर हमारे यहाँ आके
जो है वो इनकम टैक्स रेड ना कर जाए, जिसके पास पावर ही नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया रेड के लिए और उसके पास पावर ही नहीं है इस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो आप इस पूरी इनकम टैक्स रेड को जो है वो इनवैलिड करवा सकते हैं हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके। तो ये जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन सा वो ऑफिसर है जिसके पास पावर है इनकम टैक्स रेड करने की, या फिर कौन से ऑफिसर के पास पावर है उसके लोअर, उसके जूनियर ऑफिसर को ऑथराइज करने की कि हाँ आप अब इनकम टैक्स रेड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑफिसर है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। दूसरा ऑफिसर है प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर। तीसरा ऑफिसर है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर। और चौथा है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। ये सारे ऑफिसर्स इनकम टैक्स रेट जो है वो कर सकते हैं, और ये सारे के सारे ऑफिसर्स ही अपने जूनियर रैंकिंग वाले ऑफिसर को, जैसे JCIT, ACIT, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑफिसर भी इवन इनकम टैक्स रेट कर सकता है, अगर इन चारों में से कोई भी ऑफिसर जो है उसको ऑथराइज कर दे कि आप इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर के ऊपर इनकम टैक्स रेट कर सकते हैं, तो वो जूनियर लेवल ऑफिसर भी जो है वो इनकम टैक्स रेट कर सकता है। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी ऑफिसर है जो इनकम टैक्स रेट कर सकता है वो है इनकम टैक्स ऑफिसर। इससे नीचे की कैटेगरी का ऑफिसर जो है इनकम टैक्स रेट नहीं कर सकता, मतलब कि इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो इनकम टैक्स रेट के लिए ऑथराइज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ड्यूरिंग रेड। अभी इनकम टैक्स रेड करने जब टैक्स आपके यहाँ टैक्स पेयर के यहाँ पे टीम आएगी तो ये तो बिल्कुल अपेरेंटली क्लियर है और इम्प्लाइड भी है दैट इट विल गोइंग टू बी अ सरप्राइज विजिट। आपको पहले बता के ईमेल करके या फ़ोन करके तो आपके यहाँ आएंगे नहीं कि साहब हम इतनी बजे इस तारीख को आएंगे, तो आप तैयार रहिएगा। इट ऑलवेज हैपन सरप्राइजिंगली, ये बिल्कुल सरप्राइज होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, टॉप सीक्रेट होता है, और ये सिस्टम्स डिपार्टमेंट में इस तरीके से डिज़ाइन किए जा सकते हैं इस तरीके से ये सिस्टम्स जो है डिपार्टमेंट में डिज़ाइन किए जाते हैं इनकम टैक्स रेट के सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस के, कि बहुत कम लोग होते हैं, देर आर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल हु हैव इंफॉर्मेशन अबाउट कि हमें कहाँ पे रेड करनी है। हाँ जी, तो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास क्या क्या पावर होती हैं ड्यूरिंग इनकम टैक्स रेड। They can enter and search any building place where he has a reason to suspect that the books of accounts, other document, money, bullion, jewelry or other valuable articles or things representing undisclosed income is kept. वो किसी भी premises में enter कर सकते हैं और उस premises को search कर सकते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि साहब books of accounts हमें मिल सकती हैं, documents मिल सकते हैं, information मिल सकती है, कुछ पर्चियाँ मिल सकती है, कुछ लेजर्स मिल सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं, कुछ लैपटॉप्स मिल सकते हैं, कुछ पेन ड्राइव्स मिल सकती हैं, कुछ कैमराज की रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं, कुछ अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स मिल सकते हैं जैसे मनी, बुलियन, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के पेपर्स, और अनडिस्क्लोज्ड इनकम का कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रूफ हमें वहाँ पे मिल सकता है। तो वहाँ पे वो टीम एंटर कर सकती है और सर्च कर सकती है। हाँ जी साहब, वो आपके लॉकर्स के, आपकी तिजोरियों के ताले तोड़ सकते हैं अगर आप उनको की हैंडओवर नहीं करेंगे, वे द कीज़ आर अनअवेलेबल। आप ये शेल्टर नहीं ले सकते कि आई डू नॉट हैव द कीज़ ऑफ एनी लॉकर और एनी अलमीरा और एनी ड्रॉर, राइट, दिस यू कैन नॉट टेक द शेल्टर ऑफ दिस। उनके पास ये पावर है दैट दे कैन ब्रेक द लॉक्स, तो वो लॉक्स भी जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑफ अ पर्सन हु इज सस्पेक्टेड टू हैव सीक्रेटेड सम आइटम एज मैंशनड इन वन अबव। हाँ जी, वो आपकी तलाशी भी ले सकते हैं ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन, अगर उनको लगता है कि आपने कुछ आइटम जैसे कि बुलियन, जैसे कि ज्वेलरी, जैसे कि डायमंड जो है वो आपने छुपा रखा है, तो आपका पर्सनल सर्च भी किया जा सकता है। सीज द आइटम इज मेंशन इन वन अबव, जो प्रीशियस आइटम्स हैं, बुलियन है, ज्वेलरी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सीज भी किया जा सकता है। प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड टेक एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। वो कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो भी लगा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्यों लगाए जाते हैं? इट इज़ अ प्रूफ दैट दे हैव कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन सर एक्टिविटीज। सर्च एंड सीजर ऑपरेशन क्या है? इट इज़ मोर और लेस लाइक इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज। एक टीम आती है और आपके प्रमाइसिस पे इन्वेस्टिगेशन करती है ब्लैक मनी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो मार्क्स लगा सकती है आइडेंटिफाई करने के लिए।
कॉपीज़ लेजर्स स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट जो है वो ले सकती है। मेक अ नोट और इन्वेंट्री ऑफ द वैल्यूबल्स फाउंड ड्यूरिंग द सर्च। हाँ जी, वो एक लिस्ट बना सकती हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकती हैं उन सब चीज़ों का जो उनको सर्च के दौरान जो है वो मिली और जो उनको लगता है कि ये अनडिस्क्लोज इनकम है। हाँ जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी सर्च की टीम आती है और उनको कोई भी एसेट्स मिलती है, आप कहते हैं कि रिपोर्टेड इनकम की एसेट है और वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये अनरिपोर्टेड इनकम की एसेट है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टैक्स पेयर, बिटवीन द एसएससी एज वेल एज द रेड टीम। जो रेड टीम है उसके ओपिनियन और टैक्स पेयर के ओपिनियन में डिफरेंस है, दोनों कहते हैं अलग अलग बातें। टैक्स पेयर कहता है कि साहब ये मैंने जो इनकम रिपोर्ट की थी वहाँ से एसेट लिए, टीम कहती है कि नहीं, ये अनडिस्क्लोज इनकम से आपने एसेट खरीदी है तो ये ब्लैक मनी है। ये सर्च के दौरान कोई डिसाइडिंग क्राइटेरिया नहीं है कि साहब सर्च की टीम आपके यहाँ पे आ गई और उसने एसेट ढूंढ ली तो डेफिनेटली वो अनडिस्क्लोज एसेट ही होगी। नो, इट इज़ नॉट द राइट वे। सॉरी, सारा सर्च होने के बाद आपका असेसमेंट होगा, आपका असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट करेगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि वाकई में वो अनडिस्क्लोज एसेट है या नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उस असेसमेंट की आगे अपील भी फाइल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साहब आपके यहाँ पे इनकम टैक्स की टीम आ गई, उसने सर्च ऑपरेशंस कर दी तो वो ब्लैक मनी ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका असेसमेंट होगा, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट में अपील भी जो है हायर अथॉरिटी के सामने फाइल कर सकते हैं रिलीफ के लिए, एसेट्स दैट कैन बी सीज्ड। यहाँ पे ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी एसेट्स जो है इनकम टैक्स सर्च सीजर के दौरान जो है वो सीज की जा सकती है। व्हाट इज सीजर? सीजर का मतलब है किसी भी एसेट को सील कर देना ताकि वो एज इट इज पोजीशन में ही मेंटेन रहे, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़, टैम्परिंग, ऑल्टरेशन नहीं किया जाए, उसकी जगह को ना बदला जाए, उसके शेप एंड फॉर्म को ना बदला जाए, उसको एज इट इज ही रिटेन किया जाए, रखा जाए जब तक जो है वो ऑपरेशंस कंक्लूड नहीं हो जाते हैं, या फिर जब तक जो है जो रेड टीम है उसको लगता है कि इस समय तक जो है वो ये एसेट सीज रह जानी चाहिए। हाँ जी, कौन कौन सी एसेट को सीज किया जा सकता है? अनडिक्लेयर्ड कैश, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने कैश डिक्लेयर नहीं करा। फॉर एग्जांपल, आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस बोलता है 5 लाख रुपये और आपके प्रमाइसिस पे कैश मिलता है 55 लाख रुपये का। हाँ जी, तो जाहिर सी बात है 50 लाख रुपए जो है वो सीज किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनडिक्लेयर्ड कैश है। अनडिक्लेयर्ड ज्वेलरी भी जो है वो सीज की जा सकती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो सीज किए जा सकते हैं। कोई चालान वहाँ पे मिलता है तो वो सीज किया जा सकता है। कोई डायरीज जो है वो वहाँ पे मिलती हैं तो वो सीज की जा सकती हैं। कंप्यूटर चिप्स एंड अदर डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, अगर कोई लैपटॉप मिलता है, पेन ड्राइव मिलती है, हार्ड डिस्क मिलती है तो उसको भी जो है डिपार्टमेंट सीज कर सकता है। डॉक्यूमेंट, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स मिले उन डॉक्यूमेंट्स को भी सीज किया जा सकता है। डीड ऑफ कन्वेंसेज या फिर कोई सी भी डीड दैट टॉक्स अबाउट एनी ट्रांजेक्शन इन रियल एस्टेट, उस डीड को भी जो है वो सीज किया जा सकता है। सो इन सारी एसेट्स को डिपार्टमेंट जो है वो सीज कर सकता है। हाँ जी, अब देखते हैं द एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीज्ड, कैन नॉट बी सीज्ड। हाँ जी, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सर्च ऑपरेशंस के दौरान कौन कौन सी एसेट्स जो हैं वो सीज नहीं की जा सकती हैं। सबसे पहले तो स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस, चाहे ये स्टॉक डिक्लेयर्ड हो या ना हो, ये कभी भी सीज नहीं हो सकता। आपकी बुक्स में अगर स्टॉक बोलता है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का और 1 करोड़ का स्टॉक आपके प्रमाइसिस में मिला, तो ये स्टॉक के डिफरेंस के एडिशंस जो हैं वो किए जा सकते हैं, बट इस स्टॉक को जो है वो कभी भी सीज नहीं किया जा सकता। लॉजिक बिहाइंड दिस इज दैट अगर स्टॉक सीज किया जाएगा तो टैक्स पेयर बिजनेस कैसे करेगा, वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को सर्च ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद कैसे रन करेगा, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो कभी भी जो स्टॉक इन ट्रेड है, फॉर एग्जांपल अगर एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पे ज्वेलरी का स्टॉक है, अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड अनडिक्लेयर्ड स्टॉक भी मिलता है तो कभी भी उस स्टॉक को सीज नहीं किया जा सकता। वन कैन नॉट सीज स्टॉक
इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस, कभी भी स्टॉक इन ट्रेड जो है वो सीज नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी डिटेलिंग ली जा सकती है कि साहब इतने का स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से मैच नहीं होता, तो इतने के स्टॉक के पे जो टैक्स है वो बनेगा, ये किया जा सकता है, बट स्टॉक को कभी भी सीज सर्च ऑपरेशंस में नहीं किया जाता। एसेट्स और कैश विच आर डिस्क्लोज बिफोर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपकी बुक्स में आपने कोई एसेट या कैश डिक्लेयर करे हुए हैं, उसका रिटर्न विटर्न प्रॉपर फाइल है, उस पर टैक्स आपने पहले चुकाया हुआ है, या फिर आप जैसे डिपार्टमेंट की टीम आती है और उसको कैश डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो कैश है, इतना कैश जो है वो अनडिक्लेयर्ड है एंड वी आर सरेंडरिंग दिस इनकम, तो उसको भी जो है वो सीज नहीं किया जा सकता। एसेट्स डिक्लेयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने कोई एसेट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपरली शो कर रखी है, वो डिक्लेयर्ड है, आपकी बैलेंस शीट में एसेट शो हो रही है, तो उस एसेट को भी सीज नहीं किया जा सकता। कैश विच आर ड्यूली एक्सप्लेन, कैश बैलेंस जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन है कि साहब इतने का जो कैश है वो कहाँ से आया, आप उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, तो भी उस कैश को जो है वो टीम सीज नहीं कर सकती है। हाँ जी, गोल्ड, गोल्ड कहाँ तक सीज नहीं होगा, 500 ग्राम तक का गोल्ड फॉर ईच मैरिड लेडी कभी भी सीज नहीं किया जा सकता, 250 ग्राम्स ऑफ गोल्ड फॉर ईच अनमैरिड लेडी ये सीज नहीं किया जा सकता, और 100 ग्राम्स पर मेल मेंबर, ये गोल्ड की सीजर की लिमिट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ध्यान रखिएगा क्या लिमिट है, 500 ग्राम फॉर अ मैरिड लेडी, 250 ग्राम्स फॉर अनमैरिड लेडी एंड 100 ग्राम्स पर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, इतना जो गोल्ड है वो कभी भी सीज नहीं किया जा सकता। अगर इससे ऊपर गोल्ड जो है वो मिलता है सर्च प्लेस पे, तो वो गोल्ड अगर डिस्क्लोज नहीं है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको ईजिली सीज किया जा सकता है। राइट्स ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग अ रेड, हाँ जी, अब रेड के दौरान पर्सन के क्या क्या राइट्स होते हैं वो देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहला राइट है टू इंस्पेक्ट द सर्च वॉरेंट एंड टू कंफर्म आइडेंटिटी ऑफ टैक्स ऑफिसर प्रेजेंट, ये सबसे पहला राइट है टैक्स पेयर का जिसके यहाँ पे सर्च कंडक्ट होनी है, कि साहब सबसे पहले तो वो जो सर्च वॉरेंट है उसको चेक करे कि वाकई में सर्च वॉरेंट सही है, जेन्यून है, ऐसा नहीं हो जाए कि उसके यहाँ पे कोई फ्रॉड टाइप की रेड हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इंसान आ जाए इनकम टैक्स ऑफिसर बन के और उसके जगह पे जो है वो रेड करके चला जाए, उसका ज्वेलरी, उसका कैश सब कुछ ले जाए, तो उसके पास राइट है कि वो जो सर्च वारंट है उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर सकता है और जो टीम आई है उनकी आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म कर सकता है, उनके आईडी कार्ड्स चेक करके कि वाकई में इनकम टैक्स ऑफिसर्स ही हैं, ये वाकई में जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट के लोग ही हैं, ये उसका पहला राइट है, वो ये चेक कर सकता है। सेकेंड राइट है टू इंसिस्ट ऑन पर्सनल सर्च ऑफ लेडीज बीइंग टेकन ओनली बाय अ लेडी विद स्ट्रिक्टली रिगार्ड टू डिसेंसी, हाँ जी, जो फीमेल मेंबर्स हैं जहाँ पे भी रेड होनी है उन फीमेल मेंबर्स का अगर पर्सनल सर्च होना है तो दैट हैज़ टू बी कंडक्टेड बाय अ लेडी ऑफिसर ओनली, दैट टू विद प्रॉपर डिसेंसी। नेक्स्ट इज टू हैव एटलीस्ट टू रेस्पेक्टेबल एंड इंडिपेंडेंट रेजिडेंट्स ऑफ लोकेलिटी एज विटनेस, हाँ जी, वहाँ पे विटनेस भी चाहिए होते हैं, स्पेशली विटनेस जो है वो पंचनामा पे साइन करते हैं, तो आप अपने किसी भी दो रेस्पेक्टेबल वेल नोन जो नेबर्स हैं उनको कॉल करके जो है विटनेस बना सकते हैं। अ लेडी ऑक्यूपाइंग एन अपार्टमेंट बींग सर्च हैज़ अ राइट टू विदड्रॉ बिफोर द सर्च पार्टी एंटर्स इफ अकॉर्डिंग टू कस्टम शी डज नॉट अपेयर इन पब्लिक, अगर कोई अपार्टमेंट या फिर कोई कन्फाइंड हाउस जो है वो सर्च होना है और वहाँ पे एक अकेली लेडी जो है वो प्रेजेंट है एंड दैट लेडी डू नॉट वांट टू अपेयर फॉर द सर्च, तो वो लेडी जो है वो सर्च ऑपरेशन से विड्रॉ कर सकती हैं, ये उनके पास राइट है। आप सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुला सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी जो है वो उसकी ज़रूरत है मेडिकल हेल्प की, तो आप जो है वो डॉक्टर को बुला सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो योर राइट। अगर ऐसा लगता है कि आपका बीपी जो है वो बढ़ गया है इनकम टैक्स रेट की वजह से या फिर आपकी शुगर डाउन हो चुकी है, तो आप जो है वो डॉक्टर को बुलाने का अधिकार इनकम टैक्स रेट के दौरान बिल्कुल रखते हैं। बच्चों को स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता, हाँ जी, बच्चे प्रॉपरली स्कूल जाएंगे, बट जाने से पहले जो है उनके जो स्कूल बैग्स हैं, जो भी चीज़ वो स्कूल ले जा रहे हैं, वो प्रॉपरली चेक हो जाएंगे। टू हैव द फैसिलिटी ऑफ मील्स एट अ नॉर्मल टाइम, आप समय अनुसार जो है आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है सर्च के दौरान कर सकते हैं, ये आपको डिनाई नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट इज टू इंस्पेक्ट द सील्स प्लेस्ड ऑन वेरियस रिसेप्टिकल्स. कुछ चीज़ें सीज हुई हैं तो उस पर डिपार्टमेंट अपनी सील लगाता है, आप उन सील्स को जो है वो प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ. और अगर सील जो है वो रीओपन भी होती है, सील जो है वो रीओपन भी होती है, तो आप रीओपनिंग के टाइम पर भी जो है उस सील को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. टू हैव अ कॉपी ऑफ पंचनामा टुगेदर विद ऑल एनेक्सेस. व्हाट इज दिस पंचनामा? पंचनामा क्या है? पंचनामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है. सबसे पहले तो ये पंचनामा ये प्रूव करता है कि वाकई में आपकी जगह पे टैक्स ऑफिसर्स ने सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया है. पंचनामा सबसे पहले तो इसका एविडेंस है, इसका प्रूफ है. पंचनामा में जो है आपके सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए, उनका आपने क्या क्या जवाब दिया, ये प्रॉपर पंचनामे में रिकॉर्ड किया जा सकता किया जाता है. पंचनामे में कौन कौन सी एसेट्स जो हैं वो सर्च टीम को मिली, ये प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है. पंचनामे में आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं, दो विटनेस के सिग्नेचर भी जो है पंचनामे में लिए जाते हैं. आप जब भी रेड टीम सर्च करके आपके जगह से जाएगी तो आप उस पंचनामा की कॉपी जो है वो उनसे मांग सकते हैं, ये भी आपका राइट है. टू हैव अ कॉपी ऑफ एनी स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड अगेंस्ट बाय द डिपार्टमेंट. आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आपको लगता है कि डिपार्टमेंट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में, अपील प्रोसीडिंग्स में जो है आपके अगेंस्ट में यूज कर सकता है, तो आप उसकी कॉपी भी जो है वो मांग सकते हैं. टू हैव इंस्पेक्शन ऑफ द सीज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और एक्सट्रैक्ट्स, कोई भी लेजर, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डायरी जो है वो जो है सीज होती है, आप उसका इंस्पेक्शन जो है वो कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई नहीं बोलता. आप उनकी कॉपीज भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके कैश लेजर को सीज कर दिया गया, तो आप उसकी कॉपी जो है वो ले सकते हैं डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंटल ऑफिसर से. हाँ जी, राइट्स ऑफ अ पर्सन आफ्टर अ टैक्स रेड. अभी टैक्स रेड कंडक्ट होने के बाद भी आपके कुछ राइट्स हैं. आपके क्या राइट्स हैं? सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके यहाँ पे रेड हुई है वो प्रॉपरली एज पर लॉ, एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं हुई है, राइट, तो आप एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में. हाँ जी, उस रेड को चैलेंज करने के लिए, राइट. उसके बाद आपके यहाँ पे जो है वो रेड प्रॉपर्ली हो गई है, आपको ऐसा लगता है कि जो जो रेड पार्टी ने जो एसेट्स आइडेंटिफाई करी और जो मेरे अगेंस्ट में जो असेसमेंट हुई है वो प्रॉपर्ली नहीं हुई है, मेरे को उसमें कुछ तो रिलीफ चाहिए, तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में भी अपील कर सकते हैं. अगर यहाँ पे भी आपके फेवर में फैसला नहीं आता है तो आप उसकी आगे जाके इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल में भी अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं. उसके बाद रेट के बाद आपके राइट्स हैं कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट सीज हुई हैं उनकी कॉपीज जो हैं वो मांग सकते हैं. उनकी कॉपीज जो हैं वो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक ऑथराइज्ड ऑफिसर की प्रेजेंस में. नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग अ रेड. हाँ जी, तो सबसे पहली ड्यूटी जो वो आपकी है रेड के दौरान, के आपको फ्री एक्सेस देनी है अपने प्रमाइसिस की, जहाँ पे भी जो है इनकम टैक्स रेड होनी है वहाँ पे कोई हिंड्रेंस या कोई ऑब्स्टेकल जो है वो आप क्रिएट नहीं कर सकते. टू आइडेंटिफाई ऑल रिसेप्टिकल्स इन विच एसेट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर कैप्ट एंड टू हैंड ओवर कीज टू सच रिसेप्टिकल्स टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर. हाँ जी, आपकी जिम्मेदारी है कि जिस भी ड्रॉअर में, जिस भी अलमेरा में जो है आपके आर्टिकल्स रखे हैं उनकी कीज आप प्रॉपरली हैंड ओवर करें. टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स. आप को जब भी ओनरशिप एसेट की पूछी जाए तो आप उस ओनरशिप को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें टू द टैक्स ऑफिसर्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई भी एंट्री का एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जाए, बैलेंस शीट के किसी भी आइटम का एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जाए, तो आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें. और कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पर्ची, कोई भी स्टेटमेंट जो है, कोई भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, कोई भी एग्रीमेंट मिलता है आपके प्रमाइसिस पे, तो आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करें टैक्स ऑफिसर्स को. To identify every individual in the premises and to explain their relationship to the person being searched. हाँ जी, premises में जब भी search होनी है हर इंसान की identity आपको पता होनी चाहिए, और आपसे पूछे जाने पर आप उस इंसान की identity जो है वो tax search की team को जो है explain करें.
नॉट टू अलाउ और इनकरेज द एंट्री ऑफ एनी अनऑथराइज पर्सन इन द प्रमाइसिस। ये वैसे भी प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है क्योंकि वो जो है पुलिस एक्सेस के साथ आती है टीम और गेट पर जो है वो गार्ड बिठा दिया जाता है। तो अनऑथराइज एक्सेस जो है वो किसी भी पर्सन का आपके प्रमाइसिस में नहीं होना चाहिए। नॉट टू रिमूव एनी आर्टिकल, आप कोई आर्टिकल उनकी बिना परमिशन के कोई रिमूव नहीं करें। कोई एविडेंस जो बन सकता है आपके अगेंस्ट में, आप उसको उस जगह से हटा नहीं सकते। उस एविडेंस को आप कोई ऑल्टर या चेंज उसमें नहीं कर सकते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर। हाँ जी, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप उसका ट्रुथफुली रिप्लाई दें, उसका ट्रुथफुली जवाब दें टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। दिस इज़ योर ड्यूटी। यू आर लीगली बाइंड बाय एन ओथ और इन्फॉर्मेशन टू स्टेट द ट्रथ। अगर आपको ओथ पे एग्जामिन किया जाता है या फिर कोई अफर्मेशन या कोई एफिडेविट आपसे लिया जाता है तो आप उस पे लीगली बाउंड रहेंगे। सिमिलरली इफ ही प्रोवाइड्स एविडेंस विच इज़ फॉल्स, अगर आप कोई फॉल्स एविडेंस देते हैं या फिर कोई गलत स्टेटमेंट जो है वो देते हैं तो आप लाइबल हैं एज पर सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। हाँ जी, आपके अगेंस्ट में इंडियन पैनल कोड सेक्शन 191 में जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। आप सिग्नेचर करेंगे अपने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स पे, इन्वेंट्रीज की लिस्ट पे और पंचनामा पे आप सिग्नेचर करने से मना नहीं कर सकते हैं। इट इज़ योर ड्यूटी, आप ये जिम्मेदारी है कि जब भी सर्च चले तो शांति जो है वो उस प्रमाइसिस में बनी रहे। बहुत ज़्यादा नॉइस या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंसेस आप क्रिएट नहीं करें। और आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो सर्च पार्टी है उसके साथ आप प्रॉपर कॉपरेट करें, उनका सहयोग करें सर्च करने में। सिमिलर कॉपरेशन शुड बी एक्सटेंडेड इवन आफ्टर द सर्च, इवन सर्च के बाद भी कॉपरेशन जो है वो होनी चाहिए ताकि ऑथराइज ऑफिसर जो है अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट कर पाए और फॉलो अप प्रोसीजर जो होते हैं उनको प्रॉपरली कंप्लीट किया जा सके। टाइम फॉर कंडक्टिंग रेड, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस समय जो है वो रेड टीम आपके प्रमाइसिस में एंटर कर सकती है, किस समय जो है रेड टीम एंटर नहीं कर सकती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि साहब सनसेट के बाद जो है वो रेड नहीं की जा सकती, सनसेट के बाद जो है वो रेड कंटिन्यू नहीं की जा सकती। ये सारे कन्फ्यूजन्स अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं व्हाट इज़ द टाइम फॉर कंडक्टिंग रेड। ऑफिसर्स कैन नॉट एंटर बिजनेस और रेजिडेंशियल प्रमाइसेस ऑफ थर्ड। इसके पहले एक छोटा सा डिस्कशन ये करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी के प्रमाइसेस में एंटर किया जा सकता है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे कनेक्टेड थर्ड पार्टी होती है SSC की, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उसका इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर या फिर उसका अकाउंटेंट, राइट। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई टैक्स एडवाइज़र या फिर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के प्रमाइसिस पे भी क्या इनकम टैक्स सर्च की जा सकती है। हाँ जी, इसका जवाब है नहीं, बट इसका जवाब हाँ भी हो सकता है जब SSC ये सर्च पार्टी को ये स्टेटमेंट दे दे या फिर सर्च पार्टी को ये बोल दे कि साहब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में रखी हुई हैं, या फिर मेरा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है या फिर मेरे ये जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं ये मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में रखे हुए हैं। देन दैट ऑफिस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट विल ऑटोमेटिकली कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सर्च एंड सर्वे ऑपरेशंस। तब चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में सर्च या सर्वे ऑपरेशंस जो हैं वो किए जा सकते हैं। बट वेयर इन SSC मेक्स अ स्टेटमेंट टू ऑफिसर दैट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कैप्ट एट सम अदर प्लेस, देन दिस प्लेस इमीडिएटली कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सर्वे। हाँ जी, जहाँ पे SSC जो है वो ये स्टेटमेंट दैट दे दे दैट माई बुक्स माई सम एसेट्स आर लाइंग एट सम अदर प्लेस, फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर लाइंग एट अ फैक्ट्री और गुड्स आर लाइंग एट अ गोडाउन, देन दैट फैक्ट्री और दैट गोडाउन विल ऑटोमेटिकली कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सर्वे ऑपरेशंस, राइट। सो लेट सी वॉट इज द नेक्स्ट पॉइंट। सर्वे ऑथोरिटी शैल एंटर द प्रमाइसिस ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस वर्किंग आवर्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। वंस द ऑफिसर्स हैव एंटर्ड इन द प्रमाइसिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, सर्वे में बी कंटिन्यूड आफ्टर सच बिजनेस आवर। थंब रूल क्या कहता है कि आप बिजनेस प्रमाइसिस में कब एंटर करना है, बिजनेस आवर्स में। बिजनेस आवर्स शुरू होने से पहले आप एंटर नहीं कर सकते हैं बिजनेस प्रमाइसिस में, बिजनेस आवर्स में ही एंट्री होगी। However, if books of accounts, cash, documents, other valuables relating to business or profession are kept at any other place, अगर कोई valuable article, books of accounts, documents और कुछ और चीज़ें जो हैं वो दूसरी place पर रखी हुई हैं, then
द अथॉरिटी में एंटर सच प्रमाइजेज ओनली आफ्टर सनराइज. हाँ जी, सनराइज होने के बाद ही एंट्री होगी और सनसेट होने के पहले ही एंट्री होगी. वंस द ऑफिसर हैज एंटर्ड इन अप्रोप्रिएट टाइम सर्वे में बी कंटिन्यूड इवन आफ्टर सनसेट. एक बार एंट्री हो गई सही समय पे. हाँ जी, सही समय क्या है? सनराइज के बाद और सनसेट से पहले. इस समय पे एंट्री हो गई तो सर्वे ऑपरेशन जो है वो सनसेट के बाद भी कंटिन्यू की जा सकती हैं. कभी कभी इतना यूज अनडिस्क्लोज कैश, अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज एसेट्स मिलती हैं डिपार्टमेंट के को के वो ऑपरेशंस 2-3 दिन तक भी कंटिन्यू चलते हैं. कभी जब बड़े ग्रुप्स पे जो सर्च और सर्वे ऑपरेशंस किए जाते हैं तो इट में कंटिन्यू फॉर 2-3 डेज इवन. तो रूल क्या है कि बिजनेस प्रमाइसिस पे आप एंट्री कर सकते हैं कब? बिजनेस आवर्स में. उसके बाद अगर एसएससी ये बोल रहे कि साहब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरा स्टॉक, मेरे गुड्स, मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं और दूसरी जगह पर रखे हुए हैं, तो उस दूसरी जगह पे जो एंट्री होगी, उस दूसरी जगह पे जो एंट्री होगी वो सनराइज के बाद होगी और सनसेट से पहले होगी. एक बार एंट्री इस समय के अनुसार हो गई तो वो ऑपरेशन सनसेट के बाद भी कंटिन्यू चल सकती है. दिस इज द रूल. हाँ जी, समराइज करते हैं इसको. प्लेस वेयर बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन, उस समय, उसका सही समय क्या है साहब? ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसमें एंटर कर सकते हैं. इन केस ऑफ डीम्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अब ये डीम्ड प्लेस क्या है? अगर एसएससी ये बोल दे कि साहब मेरा स्टॉक वहाँ रखा है गोडाउन में, मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मेरे दोस्त के घर पर हैं, मेरी ये वाली एसेट्स की डिटेल जो है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में है, तो वहाँ पे एंट्री कब होगी? आफ्टर द सनराइज एंड बिफोर द सनसेट. हाँ जी, इस टाइम के अलावा एंट्री नहीं हो सकती. इस टाइम के अनुसार एक बार एंट्री हो गई तो वो ऑपरेशन सनसेट के बाद भी कंटिन्यू की जा सकती है. हाउ वन कैन प्रिवेंट रेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू अंडरस्टैंड कि आप जो इनकम टैक्स रेट है वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. देखो, नेचुरल सी बात है, कौन चाहेगा किसी के यहाँ इनकम टैक्स रेट हो? एक तो टैक्स देना पड़ेगा, हैवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसके बाद असेसमेंट का प्रेशर, असेसमेंट कराने की फीस, उसके बाद अपील का प्रेशर, अपील कराने की फीस, तो बहुत सारा खर्चा जो है वो आपका हो जाएगा अगर इनकम टैक्स रेड आपके यहाँ होती है तो. मतलब एक बहुत बड़ा बिल, यू हैव टू पे हेफ्टी बिल्स ऑफ अ सिंगल इनकम टैक्स रेड दैट वुड कॉस्ट यू वेरी हाई ऑन योर पॉकेट. सो वन कैन लॉफुली अवॉइड अ टैक्स रेट बाय बीइंग कंप्लाइंट. व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड हेयर? इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर इज यू नीड टू बी कंप्लाइंट बाय ऑल द टैक्स लॉज इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द समन्स एंड नोटिसेस इन अ टाइमली मैनर. यस, आपके ऊपर कोई समन इशू होता है या नोटिस आता है, उसका समय अनुसार टाइमली मैनर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर डिटेल के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो रिप्लाई करें. एंड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम कीपिंग मनी प्रॉपर्टी अनडिक्लेयर्ड. और कभी भी कोई भी मनी, कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको अनडिक्लेयर्ड ना रखें, उसको इनकम टैक्स में डिक्लेयर करें. डिक्लेयर करने के लिए आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, चुका दें. राइट, जब आपने गेन इनकर किया, जब आपने मनी रिसीव की, जब आपके पास इनकम एक्री हुई, तब अगर 2 रुपये देने पड़े और इनकम टैक्स रेड में वो चीज़ आइडेंटिफाई हुई तो उसका 2 रुपये का बिल बनता है लगभग 20 रुपये. राइट, सो दिस इज द डिफरेंस. आप अगर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और उसकी कंप्लायंस की कॉस्ट, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस, अपील फीस, सब कुछ जोड़ लें, राइट, तो इट वुड बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू. तो टैक्स कंप्लायंट बने, प्रॉपर टैक्स की कंप्लायंस करें, कोई समन आए, कोई नोटिस आए, उसका प्रॉपर रिप्लाई दें, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल, इन्फॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट मांगता है उसको समय अनुसार पूरी डिटेल दे दें, और कोई भी इनकम होती है उसको प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा के टैक्स चुकाएं, समय अनुसार अपनी रिटर्न फाइल करें और एक जिम्मेदार टैक्स पेयर बने, एक जिम्मेदार करदाता बने. इन सब चीज़ों से आप इनकम टैक्स रेट जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉ दैट रिलेट्स टू योर इनकम टैक्स रेट. हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है केस लॉस की, और बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स ने ये अपने जजमेंट्स में साफ साफ बोला है कि साहब जब तक कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल,
इनक्रिमिनेटिंग मतलब कोई सपोर्टिंग, कोई सब्सटैंटिव मटेरियल जो है वो सर्च प्लेस पे नहीं मिलता है तो एडिशंस नहीं किए जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि रेड पार्टी आती है और वो सर्च करती है, उसको उसके टारगेट के अनुसार जो है वो एसेट्स नहीं मिलती हैं, चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो पार्टी जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है ऑन द टैक्स पेयर के आप इतने की इनकम सरेंडर कर दीजिए। तो हो सकता है कि टैक्स पेयर उतने की इनकम सरेंडर कर भी दे और ना भी करे, अगर कर दे तो सिर्फ उस स्टेटमेंट के बेसिस पे विदाउट एनी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल। इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल क्या हो सकता है, कोई डायरी हो सकती है, कोई पर्चियाँ लूज पेपर्स हो सकते हैं, कोई लेजर हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, कोई बुकलेट हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी की सेल डीड हो सकती है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल, बट द स्टेटमेंट ऑफ सरेंडर ऑफ इनकम हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय एनी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल। विदाउट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल एनी एडिशंस ऑफ सर्च ऑपरेशंस आर नॉट सस्टेनेबल एज अफर्म बाय मेनी ITAT एंड हाई कोर्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल केस लॉ के बिना इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल के जो है वो एडिशन सस्टेन नहीं होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट केस लो जो आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है राम कुमार धनुला का। ये साहब नॉन रेजिडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि नॉन रेजिडेंट के यहाँ पे सर्च ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते। अगर डिपार्टमेंट के पास रीज़न टू बिलीव है, उनको लगता है कि इस नॉन रेजिडेंट के पास जो है वो एसेट्स हैं, इसने एसेट्स छुपा रखी हैं, इसके पास ब्लैक मनी है, तो वो नॉन रेजिडेंट है तब भी उसके यहाँ इंडियन प्रमाइसिस पे जो है सर्च ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। दोज ऑपरेशंस आर हेल्ड टू बी लीगली वैलिड एज पर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ राम कुमार धनुला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2001। द साइटेशन ऑफ द केस इज 252 ITR 205 ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ इज दैट इट वॉज ऑल्सो अ केस लॉ ऑफ ITAT जयपुर बेंच दैट इनकम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड फॉर द पीरियड फॉर विच नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ द सीज रिकॉर्ड्स। हाँ जी, इस जजमेंट में एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन है बेंच का वो हमारे सामने आया कि जब सर्च पार्टी सर्च करी जब रेड करी तो फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 14-15 की डिटेल मिली, तो सर्च पार्टी ने 14-15 की डिटेल को बेस बनाते हुए 15-16 के भी एडिशन कर दिए और 16-17 के भी एडिशन कर दिए बाय मेकिंग द बेस ऑफ 14-15। बट इंटरेस्टिंगली 15-16-17 की कोई डिटेल, कोई मटेरियल, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिकॉर्ड जो है उनको सर्च प्लेस पे नहीं मिला। तो इस तरह के एडिशंस जो हैं वो नहीं किए जा सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेल या डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन द एडिशंस कैन नॉट बी मेड, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस जो है वो एडिशन सस्टेन नहीं होते हैं। सो द रिलेवेंट केस लॉ इज MM सेल्स एजेंसीज ऑफ 2006 ऑफ इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल जयपुर बेंच। साइटेशन ऑफ द केस इज 153 टैक्समैन 13। यस, सो इट वाज ऑल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू वुड लाइक टू नो अबाउट इनकम टैक्स रेट सर्च सीजर एंड सर्वे ऑपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी टू आस्क ऑन दिस टॉपिक और एनी ऑफ द टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 देन यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कीप कमिंग विद लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लाइक दिस। थैंक्स अ लॉट। बाय।